एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत। पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और राहुल गांधी की जुबानी जंग का दौर चला, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया गया और राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई। लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा हुआ जिससे कोहराम मच गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 7वां दिन है, तो वहीं असम में शनिवार को इसके 3 दिन पूरे हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यात्रा उत्तरी लखीमपुर सहित जिले के कई हिस्सों से होकर गुजरेगी। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगा है कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के वाहनों पर लक्षित हमला हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि शुक्रवार रात युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ के लिए भाजयुमो को जिम्मेदार बताया। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी घटना कैद है, जिसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर से छेड़छाड़ की जा रही है। यात्रा से पहले लखीमपुर में राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी नुकसान पहुँचाया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के CM ये अच्छी तरह समझ लें कि यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, यात्रा जारी रहेगी। इस सारे घटनाक्रम के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और भाजपा से जुड़े उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी, जो कि आज अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी और इसका समापन 20 या 21 मार्च को मुंबई में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।